जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने गांदरबल से नामांकन भरने के साथ ही जनता से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरा सम्मान आपके हाथों में। जब ये बात उमर अब्दुल्ला कह रहे थे तो उन्होंने अपने सर से टोपी भी उतारी। जिस तरीके का जेस्चर उमर अब्दुल्ला ने दिया, मानो एक कमजोर व्यक्ति अपने लोगों के सामने आकर हाथ फैला रहा हो। कम से कम जेस्चर तो यही कह रहे थे। और रही सही कसर अब तब पूरी हो गई जब गांदरबल के अलावा उमर अब्दुल्ला ने एक और सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। क्या उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनावों में हार के बाद विधानसभा में हार के डर से ऐसा कर रहे हैं? इसी को जानने की कोशिश करेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा के साथ ही कैंपेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया। नामांकन का सिलसिला लगातार जारी है और कई अलग अलग सीटों पर लोग अब खूब प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। तैयारियां तेज हैं और इन सब के बीच में चुनाव की तारीख नजदीक है। और इन सब के बीच उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया। जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर उमर अब्दुल्ला ने फैसला किया कि वो एक नहीं बल्कि दो दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। खबर है कि गांदरबल में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष बडगाम से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला द्वारा लिया गया ये फैसला राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव में लिए गए फैसले की ही तरह है। जिस तरह राहुल गांधी ने यह फैसला किया कि वो दो दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, ठीक उसी तरह उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में यह तय किया कि वो गांदरबल और बडगाम से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान की संभावना है, जो कि पिछले 30 सालों के बहिष्कार से प्रभावित चुनावों में एक बड़ा बदलाव होगा। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही क्राइटेरिया देखने को मिला। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बार के लोकसभा चुनावों में हिस्सा लिया और कई उम्मीदवारों को जीत भी दिलाई। हाल ही में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ये देखा गया कि उमर अब्दुल्ला अपनी सीट से किस तरीके से हारे। इंजीनियर राशिद ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। उमर अब्दुल्ला के लिए सबसे बुरी बात यह थी कि इंजीनियर राशिद वो व्यक्ति थे जो निर्दलीय इस चुनाव में जीत के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। और इससे भी बड़ी बात ये कि इंजीनियर राशिद जेल में बंद हैं। उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई चुनाव में प्रचार किया ही नहीं, इसके बावजूद एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत जाता है। इसी बात का डर इस समय जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सता रहा है। ये डर ना सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बल्कि पीडीपी के लिए भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की बात करके चुनाव लड़ने के वादे और दावे तो पेश कर रही है और इसके साथ ही अपने अपने मैनिफेस्टो को जारी कर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की वापसी की बात भी कर रही है। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार इस बार के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि लोकसभा में निर्दलीय उम्मीदवारों पर लोगों ने कितना भरोसा जताया। जम्मू कश्मीर को लेकर एक खास बात यह भी है कि यहाँ जब चुनाव होते हैं तो ना सिर्फ बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में होते हैं, बल्कि उनके साथ ही एक बड़ा फैक्टर निर्दलीय उम्मीदवारों का भी होता है। निर्दलीय उम्मीदवार बड़े पैमाने पर वोट काटने का काम करते हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर लोगों के मन में संदेह होता है, वो आमतौर पर निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ जाते हैं। ऐसे में ये बड़ा फैक्टर बनते हैं। यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी स्थानीय रीजनल पार्टी इस बात से डर रही हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा चुनावों में भी एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं और उनकी हार के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला भी इस फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हुए कई मौकों पर नजर आए कि आने वाले समय में उन्हें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना है। इस लिहाज से एक मजबूत सरकार का होना जरूरी है। और कई वादों के साथ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया तो ये जिक्र भी बार बार आया कि कैसे वो जम्मू कश्मीर को डर के साए से बाहर निकालेंगे। तमाम तरह के मुद्दों के बीच में उमर अब्दुल्ला के लिए जीतना उनकी साख की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी और अब्दुल्ला परिवार के लिए भी। आपको क्या लगता है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।